हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज R6 का मेंसुरेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। दिया गया है द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मीटर एंड इट्स एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर। यह हमें सेंटीमीटर बुक में दिया गया, आप मीटर स्क्वायर लिखिएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल मतलब आयत। तो आयत हम यहाँ पे बना लेंगे, एक आयत बनाएंगे अपने से। आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड इक्वल होती है यहाँ में आयत, आयत मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल मतलब ये साइड इसका इक्वल होगा, ये साइड इसका इक्वल होगा, तो ये क्या कहलाएगा, आयत। मतलब ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। तो यहाँ पे आयत दे दी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई, ब्रेथ मतलब क्या, चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, बी कितना दे दिया गया है, 5 मीटर दे दिया गया है। ब्रेथ कितना दिया है, 5 मीटर। एंड इट्स एरिया, एरिया मतलब इसका अंदर का ये टोटल एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया दे दिया गया है। एरिया मतलब ए, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर दिया गया है। द फाइंड इट्स लेंथ, तो इसका ये लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला लेंथ निकालना है, लेंथ मतलब लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या कह दिया है वो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ब्रेथ, ब्रेथ दिया गया है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ मतलब क्या, चौड़ाई, बी हिंदी में लिख लीजिएगा चौड़ाई, बी कितना दिया गया है, 5 मीटर। और हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, लंबाई मतलब लेंथ निकालना है, लेंथ, लेंथ मतलब बी लंबाई, इसको हिंदी में लिख लीजिए लंबाई, कितना निकालना है इसे। और यहाँ पर और क्या दिया है, एरिया, क्या दिया है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGL, रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है पहले 100 मीटर स्क्वायर, तो पहले बता दे ये आयत का क्षेत्रफल, यहाँ में लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये दिया गया है कितना, 100 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और यहाँ में लंबाई कितना है, लंबाई मतलब नहीं दिया गया है तो लंबाई में ऐसे ही रखेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी, बी मतलब ब्रेथ, कितना दिया गया, ब्रेथ यहाँ में डी एच होगा। यहाँ पर चौड़ाई कितना दिया गया, 5 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 100। अब ये इंटू में है तो आप कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो लेंथ ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा, और ये इंटू में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ पे लंबाई इंटू यहाँ में ऐसे ही रह जाएगा, और ये इंटू में था तो डिवाइड में आ गया, 5 से 10 20 बार में चला जाएगा, 100 5 20 जा 100। अब यहाँ में क्या बचा, लेंथ 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या था, यूनिट हम लोग क्या था, मीटर और मीटर स्क्वायर, तो यहाँ में मीटर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया गया द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम का क्या दे दिया गया है, बेस दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर एंड द एरिया दे दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका क्या निकालना है, पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, हाइट निकालना है हमें। मतलब एक समांतर चतुर्भुज का आधार 9 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे आइए सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया है एक पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम मैंने बता ही दिया है कि क्या होता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम का क्या दे दिया गया, एरिया दे दिया, अंदर का जितना ये पार्ट, ये टोटल पार्ट का क्या दे दिया गया, एरिया, एरिया कितना दे दिया गया है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। और इसका
इसका एक बेस दे दिया गया है, बेस बेस दे दिया गया है कितना 9 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया गया है, इसका निकालना क्या है, हाइट निकालना है, निकालना है हाइट। तो यहाँ पर बेस मान लो ये बेस हो गया, ये ही बेस हो गया, क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो निकालना है हमें हाइट, इसका क्या निकालना है, हाइट निकालना है, हमें ये वाला हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ये आधार दे दिया गया है, ये क्या है आधार मतलब बेस। तो यहाँ पर गिवन में जो है वो लिख लेते हैं, गिवन बेस, बेस मतलब आधार, हिंदी में क्या होगा आधार, और इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बी। कितना दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और इसका क्या निकालना है, हाइट निकालना है, क्या निकालना है हाइट, हाइट मतलब एच, ऊंचाई निकालना है हमें। और जबकि एरिया दे दिया गया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे दिया गया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखने से भी होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया है कि इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, बेस, बेस मतलब आधार इनटू ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, बेस इनटू हाइट 54 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ है। अब यहाँ में देंगे बेस, बेस कितना था 9, बेस कितना था 9 सेंटीमीटर, इनटू हाइट इक्वल टू 54। तो यहाँ में ये इनटू में है तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हाइट हो जाएगा, हाइट इक्वल टू 54, ये इनटू में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में गया तो ये कितना हो जाएगा 9 से कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, 9 6 = 54, तो 6 टाइम्स गया। तो यहाँ पे हाइट कितना हम लोग पाए, तो हाइट हमें मिला, हाइट मतलब एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो यूनिट था वही लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ 12 डेकामीटर, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 डेकामीटर देन फाइंड इट्स ब्रेथ। पहले तो यहाँ में दे दिया गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मैंने बताया है जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो ये रेक्टेंगल हो गया, ये वाला साइड इसका इक्वल होगा, ये वाला इसका इक्वल होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका जो एरिया है टोटल एरिया किसके बराबर है, इज इक्वल टू मतलब बराबर है, इक्वल है, किसका इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर, किसका स्क्वायर का, स्क्वायर क्या होता है जिसका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और ये कितना डिग्री बनाता है एंगल, चारों एंगल कितने डिग्री का बनाता है 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर ये टोटल दोनों जो दोनों का जो एरिया है क्या है, इक्वल है, बराबर है। ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, और ये क्या हो गया स्क्वायर, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं वर्ग, और इसे हम बोलते हैं आयत, आयत बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है, गिवन मतलब दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ क्या दिया है रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है 12 डेकामीटर। तो यहाँ में डेकामीटर लिख सकते हैं, डेकामीटर, और लेंथ ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग की लंबाई, लिख लेना हिंदी में वर्ग की लंबाई, और क्या दिया गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है 24 डेकामीटर, कितना 24 डेकामीटर, यहाँ में डेकामीटर लिख लेना। और हमें निकालना क्या है बेस, हमें निकालना क्या, ओ इसकी चौड़ाई निकालना है, क्या निकालना है चौड़ाई, चौड़ाई मतलब हमें इसका ब्रेथ निकालना है, क्या निकालना है ब्रेथ, चौड़ाई निकालना है हमें।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि इन दोनों का एरिया जो है इक्वल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसका, स्क्वायर के क्षेत्रफल का। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला पता है, आप लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब लेंथ इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, तो यहाँ में लिख देंगे साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लेंथ दिया है कितना, इसका लेंथ कितना दिया था, यहाँ पर एरिया ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 24 इंटू में क्या लिखेंगे बी, क्योंकि बी मतलब ब्रेथ निकालना है, दिया तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया निकालना है तो साइड हमें लगेगा, तो साइड कितना, साइड मतलब इसका लेंथ, इसका लेंथ कितना दिया है, ये लेंथ कितना दिया था आपका यहाँ पर, यहाँ में 12 दिया था, कितना दिया था 12। तो यहाँ पर इसका लेंथ दिया था यहाँ से यहाँ तक का 12, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया था आयत का, यहाँ पर रेक्टेंगल का 24 डेकामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना हो गया 24। अब यहाँ पर बैठा दे रहे एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड, साइड कितना है 12, तो 12 बैठा दिए 12। अगर 12 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा, मतलब दो बार लिख सकते हैं, तो दो बार लिख दिए। अब ये इंटू में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्या होगा, इंटू में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में ले जाएंगे इसे, डिवाइड में लेके गए। मैंने इसको 12 × 12 क्यों लिखा, क्योंकि काटने में इजी होगा, कट करने में इजी होगा, इसलिए। तो 12 × 2 = 24, और 2 से फिर 12 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा b = 6, और यहाँ में क्या था, यूनिट क्या था, डेका मीटर, तो यहाँ में लिखेंगे डेका मीटर। तो ये रहा आपका आंसर।